हेलो गाइस, वेलकम टू लॉकडाउन व्लॉग्स एंड वेलकम टू रॉन कॉम अगेन। आज एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है, लेकिन उसके लिए हमें एक वाइज ओल्ड लुकिंग ट्री चाहिए जिसके नीचे हम बैठ के बात कर सकते हैं। एंड शायद से मुझे वो ट्री दिख भी रहा है, तो लेट्स हेड ओवर देयर। दिस इज़ द ट्री आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इट्स बिग, इट्स ओल्ड, इट लुक्स वाइज फॉर सम रीज़न। एंड उसके नीचे प्रॉपर एक स्पॉट भी है। होप ही उधर बस टट्टी मत करना और कुछ नहीं चाहिए। एंड वी आर ऑल सेट टू गो। हाँ, मेरा ट्रैक पैंट गंदा होने वाला है, बट इट्स वर्थ इट, नॉट एन इश्यू फॉर मी। दोज आर द बर्ड्स अबव माई हेड। So if this shit on my head today, I hope this video is gonna be worth it, क्योंकि पैंट तो ऑलरेडी गंदी हो चुकी है और अभी मेरे ऊपर तांडव भी कर रहे हैं पंछी। बस टट्टी करने की कमी है। So टट्टी से याद आया, I have decided to tell you a story about an experience in my school life. So हमारे स्कूल में कैसा होता था, once the students entered 8th grade, we had to choose a stream of the NCC. और हमको ऑप्शंस मिलते थे, उसमें से था नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, स्काउट्स। आरएसपी भी था, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज यू हैड टू एनरोल योर नेम फॉर इट एंड नथिंग हैव हैपेंड। सो जिनको कुछ नहीं करना था वो उसमें एनरोल करते थे। एंड आई जॉइन द आर्मी। आई थॉट यू नो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, इट वुड बी फन, कुछ एडवेंचरस होगा, बट एक्चुअल एडवेंचर था स्काउट्स में, बिकॉज स्काउट्स में लोग ट्रैकिंग करते थे, नाइट कैंप्स करते थे, लॉन्ग कैंपिंग, दो तीन दिन का कैंपिंग उनका होता था। एंड इन एट्थ ग्रेड ऑल दीज थिंग्स वर रियली मैसिव फॉर अस, लाइक बहुत बड़ा लगता था हमको ये सब। बट एनी वे, लेट्स कम बैक टू द मेन स्टोरी। सो इन आर्मी वी यूज टू ट्रेन एवरी डे, अपना मार्चिंग, अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस, वर्कआउट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द मोमेंट वी एंटर्ड 9th ग्रेड, वी हैड टू गो फॉर दिस आर्मी कैंप। एनसीसी कैंप होता था, सो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों का अपना अपना टाइम होता था कैंप जाने का। एंड इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो फॉर द आर्मी कैंप। इट वॉज 9th ग्रेड, आई थिंक द ईयर वॉज 2013, आई एम नॉट श्योर, बट 2013 पकड़ लेते हैं। अब ये कैंप है 10 दिनों का और ज़्यादा दूर नहीं था सिटी एरिया से, लेकिन हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते नहीं थे स्कूल टाइम में। हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल। हम उस डायमीटर के बाहर कभी निकले ही नहीं थे। तो कैंप जो था वो था आई थिंक हमारे स्कूल से अराउंड 15-20 किलोमीटर्स दूर, वेरी बिग आर्मी सेक्टर। नाउ द कैच इज, वी वर्न द ओनली स्कूल हु यूज टू गो ओवर देयर टू कैंप एंड ऑन द सेम स्पेसिफाइड डेट्स। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए थे, देर वर सम इशूज बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स एक ही डेट पर आ गए थे एंड वहाँ पर टेंट्स, कैंप्स, रूम्स बचे नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। सो वी हैड टू कैंसिल इट ऑफ। आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन, लाइक वाई आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस कैंपिंग। मुझे जाना था यार, इतने टाइम से रुका हूँ, मुझे भी जाना है। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे रीसेट इट एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो ओवर देयर अगेन। हम लोग अपना रेडी होकर, बोरिया, बिस्तर, बड़े बड़े बैग्स लेकर सब रेडी, कपड़े, अंडरवेयर, दिस दैट एवरी थिंग। या वी डिड नॉट हैव स्मार्टफोन्स बैक देन, एक्चुअली वी डिड, अ फ्यू ऑफ अस डिड, बट हम लोग इतना यूज़ नहीं करते थे। स्कूल में लेके आने की बात तो बहुत दूर की है, बहुत ज़्यादा दूर की। एंड आर्मी कैंप ले जाने की बात तो बापरे, इट्स नॉट इवन इमेजिनेबल फॉर अस। सो वी केम टू स्कूल ऑन दैट डे, द फर्स्ट डे व्हेन वी वर गेटिंग रेडी, हम लोगों के बसेज आ रहे थे। I was acting really smart. You know how when we are children, teenagers, we think that picking up multiple bags in front of people makes you look like Superman or something. I don't know. So मैं 3-4 bags, 5 bag, जिधर से भी मैं bag पकड़ सकता हूँ मैं पकड़ रहा था। एंड 3-4 bag लेके मैं बस पर जा रहा था। I was keeping all the bags. I was showing off, see my strength, see how many bags I can carry. Now I think about it, I just feel stupid. But anyway, that happened. So the bus driver started driving and we reached the camp area in half an hour, I think. Half an hour, 40 minutes max. So we entered over there. Tabhi bhi dusre school se log aaye the, but overcrowded nahi tha. So one thing you should know guys, this camping was only for boys. So boys, school se boys ka group aata tha and all boys camping. And you should know one thing, if you are not a boy,
बॉयज़ एंड हाइजीन का जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं होता है, एंड एस्पेशली टीनेज बॉयज़. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. तो वी सेटल डाउन ओवर देयर. वी वर सपोज टू गेट टेंट्स, जो टेंट्स में हम रहने वाले थे, बट वो कैंसिल हो गया एंड वी स्टार्टेड लिविंग इन दिस वेरी बिग हॉल. तो हम लोगों का बैच था और हम लोगों के जो सीनियर्स थे वो एक ही हॉल में हम लोग सोते थे. आई पॉज दिस, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग वॉट होप इज डूइंग बिहाइंड द सीन्स. So my live audience, as you can see, is very enthusiastic. She's playing a wow dive maar diya usne. Anyway, let's get back to the story. As I was saying, हम लोग एक हॉल में रह रहे थे एंड वी यूज टू स्लीप ओवर देयर, एंड फुल डे लॉन्ग तो हॉल में नहीं बैठते थे हम लोग. हम लोगों के एक्सरसाइजेस होते थे, मार्चिंग होता था, वर्कआउट्स होते थे, वही दिन भर चलता था. सो एज आई मैंशन हाइजीन एंड बॉयज एंड टीनेजर्स, वी हैड टू प्लेसेस टू ओवर देयर टू गो टू द लू. एक बैक साइड पे था और एक हमारे हॉल के ही सामने था. जो बैक साइड वाला था वहाँ पर हम नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पर वही लोग जा सकते थे जिनका जिगरा जो है ना वो लोहे का बना हुआ था. बिकॉज वी वंस फाउंड ओवर देयर शी जस्ट टेल स्मैक्ड माई कैमरा, व्हाट द हेल. सो जो पीछे वाला वॉशरूम था वहाँ पर सब लोग नहीं जा, एक्चुअली कोई नहीं जा सकता था वहाँ पर. जो बहुत ही मजबूत है यहाँ से और यहाँ से वही जा सकते थे. बिकॉज वी वंस फाउंड ओवर देयर आई थिंक 2 kgs ऑफ फ्लोटिंग टर्ड इन द बाथरूम, एंड इट वॉज अ रेगुलर थिंग ओवर देयर फॉर सम रीजन. सो दी ओनली वॉशरूम दैट वॉज लेफ्ट इज जो हमारे हॉल के सामने था, एंड आई वॉज प्रिटी कंटेंट विद इट कि ओके चलो एटलीस्ट मैं जाकर अपना सुबह का काम तो शांति से कर सकता हूँ. बिकॉज 10 days अवे फ्रॉम योर होम, नॉट गोइंग टू योर ओन टॉयलेट फॉर सो लॉन्ग, एंड बीइंग एन 8th, 9th grader, इट्स अ बिग डील गाइज, इट्स अ वेरी बिग डील, याद रखना ये. सो इट वॉज नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, 2nd day ऑफ आर कैम्प. फाइनली हम लोग सुबह उठे. अब मुझे आदत है मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाता हूँ. सो दैट डे फॉर्चुनेटली आई गॉट अप एट अराउंड 5:30 कि और कोई नहीं उठा था, सब सोए हुए थे तभी. एंड 2nd day था तो वहाँ पर ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे लोग. उन्होंने बोला इट्स ओके यू गाइस कैन गेट अप बाय 6:30, इट्स योर फर्स्ट डे ओवर हियर. सो मैं वॉशरूम गया एंड मैंने थोड़ा मुँह हाथ धोया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मुझे प्रेशर वगैरह कुछ आया नहीं था, न्यू प्लेस ना. आई वेंट आउट फॉर अ वॉक कैजुअली, थोड़ा सनराइज देखा, इट वॉज वेरी फ्रेश. स्लो इट वॉज अराउंड 6:15 एंड धीरे धीरे मेरे बैचमेंट सब उठने लगे थे. अब मुझे याद आया कि मुझे बाथरूम जाना है, क्योंकि बाथरूम नहीं जाऊँगा तो पूरा दिन मेरा ख़राब जाएगा. सो आई एंटर्ड दैट वॉशरूम, द क्लीन वन, एंड आई नोटिस दैट ऑल द डोर्स आर लॉक्ड. आई वॉज गोइंग एंड आई वॉज नॉकिंग, मैं पूछ रहा था अरे कौन है, तो मेरा दोस्त बोल रहा था अरे मैं हूँ. लेफ्ट में नॉक किया तो मैं हूँ बोलता, फिर से नॉक किया तो गाली देता. सो वही सब चालू था, जस्ट बॉयज थिंग. जो डोर पे नॉक कर रहा हूँ अंदर से गाली आ रही है. बट आई नोटिस्ड वन थिंग, एक कॉरिडोर जैसा था वो वॉशरूम, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट एक राइट साइड में एक बाथरूम था जिसका दरवाज़ा ओपन था और वहाँ पर कोई नहीं जा रहा था, कोई भी नहीं जा रहा था वहाँ पर. एंड आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज पीपल आर देयर वेटिंग, वेटिंग लाइन में रुके हैं बाहर, प्रेशर आया है लोगों को बाथरूम जाना है, सब बाथरूम लॉक्ड है, लेकिन वो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे. अब मुझे क्या हो गया, मेरे में आ गया द टार्जन जीन और समथिंग यू कैन से, एंड आई वॉज वेरी ब्रेव कि आई विल यूज़ दैट वॉशरूम. आई वॉक्ड ओवर देयर स्लोली एंड आई रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर डोर. अब मैं डोर खोलता हूँ तो कुछ नहीं दिखता है मुझे, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द बाथरूम, देन व्हाई आर पीपल रनिंग अवे फ्रॉम इट. अ फ्रेंड इवन वॉर्न्ड मी, रॉनी उधर मत जा, एंड 3-4 people वाले एक रॉनी मत जा, दे वर लाफिंग. सो आई थॉट इट्स सम टाइप ऑफ अ स्टूपिड प्रैंक कि अगर किसी को प्रेशर आया है उसको जाने नहीं देना है. वी यूज टू डू ऑल दैट इन स्कूल, वी जस्ट यूज टू टॉर्चर ईच अदर इन स्कूल. बट आई थॉट यू नो लेट जस्ट एंटर, स्क्रू इट, इट लुक्स क्लीन. प्रॉब्लम ये था आई फेल्ट समथिंग फिशी, साफ था बट स्टिंकी था. That is when I looked around in the bathroom and I checked the bathroom walls. So bathroom walls pe
बाथरूम वॉल्स पे येलो येलो कलर का टट्टी लगा हुआ था. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस, आई एम बीइंग सीरियस ओवर हियर. इफ़ यू आर नॉट डिसगस्टेड ऑलरेडी, रुको, ये तो बस शुरुआत है. जब मैं देख रहा था लेफ्ट राइट, मेरा नज़र जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ भी गया. आई लुक टूवर्ड्स द सीलिंग. यू नो वॉट आई फाउंड? देर वॉज एन अंडरवेयर फुल ऑफ टट्टी हैंगिंग ऑन द सीलिंग. ऑन द फ्रिकिंग सीलिंग, अंडरवेयर फुल ऑफ टट्टी. मैं जो स्पीड में वहाँ से निकला हूँ, आई प्रोबेबली ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्प्रिंटिंग 50 मीटर्स. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इन दैट आर्मी कैंप, मैं बस एवरी 3 डेज बाथरूम जाता था एक बार. एंड दिस इज ट्रू, आई कैन टेस्टिफाई. मेरा एक दोस्त है प्रतीक, जो मेरे लिए कैमरा लेके आया था, ही वॉज विथ मी इन द आर्मी बैच. हम दोनों आर्मी कैंप के ही थे. आई ओनली यूज द बाथरूम वंस इन एवरी 3 डेज. सो यस गाइज, दैट्स अबाउट इट विथ बॉयज एंड टीनेज एंड हाइजीन. माई नाइटमेरिश एक्सपीरियंस इन द आर्मी कैंप. एंड दिस इज नॉट द ओनली वन. आई हैव मैनी स्टोरीज टू टेल यू गाइज, लाइक मैनी स्टोरीज, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो इज. ऐसे भी लॉकडाउन हो रहा है यार, ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहे, ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है. सो दिस आई थिंक वी कैन एन्जॉय दिस, वी कैन टॉक. एंड इफ यू गाइज हैव सम स्टोरीज लाइक दीज, लाइक रियली मैडनेस, जस्ट शेयर इट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन. आई थिंक पीपल एक्चुअली फाइंड ऑल दैट वेरी इंटरेस्टिंग. लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ. सो एनी वे, माई बम इज डर्टी, द बर्ड्स हैव स्टॉप्ड देयर टांडव, होप इज प्लेइंग. सो आई होप ऑल दिस वॉज वर्थ इट एंड यू गाइज लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ, डोंट लीव टट्टी फुल ऑफ अंडरवेयर ऑन योर सीलिंग. गुड बाय. होपी, हे होपी, सो वॉट डू थिंक अबाउट दिस स्टोरी? What do you think about this story? Hopi, you have something to say? Hey, see. Hey, either see. You have something to say? Hopi, what is this?